हेल्थ क्रेजी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे डोसा रेसिपी। तो हमने ये एक कटोरी चावल लिए थे, आधी कटोरी उड़द की दाल ली है धुली हुई, देखिए आधी कटोरी चने की दाल ली है। तो अब हमें इसको सभी को मिक्सी में पीसेंगे, मिक्सर बनाएंगे इनका। देखिए हमारा मिक्सर बन चुका है, तो आप देख ही सकते हो मैं हरी चटनी बना रही हूँ। मैंने हरी हरा धनिया डाला है इसमें, हरी एक टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा लहसुन डाला, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, धनिया पाउडर डाला। तो मैं अब नारियल की चटनी बनाऊंगी। मैंने इस तरह से नारियल को छील लिया है, उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाला, थोड़ी दही डाली है और थोड़ी सी मैंने चने की दाल डाली है। अब मैं इसको पीसूंगी। तो देखिए मेरी नारियल की चटनी पीस के रेडी हो गई है। तो मैंने इसमें एक फैन की फैन रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करा है और इसमें थोड़ा सा मैं ये राई डालूंगी, मिर्च डालूंगी, इसमें कड़ी पत्ते डालूंगी और इसमें चटनी में तड़का लगाऊंगी। तो देखिए मैंने ये नारियल की चटनी मेरी रेडी हो गई है, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। नारियल डोसा मसाला, डोसा हम भरने के लिए तो मैंने थोड़ा सा जीरा राई डालिए, फिर कड़ी पत्ते डाले, हरी मिर्च डाली है, फिर प्याज डाली है, थोड़ा सा वो बेसन डाला है। अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। भुन गया है, मैं इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, मिर्च डाली है और गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब मैं इसको, अब मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, मैं अब इन्हें आलू को डाल दूंगी इसमें। अब इसमें मिक्स करूंगी इनको। ये मेरा डोसा मसाला रेडी हो गया है। तो मैं देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए, इसको ऐसे घुमाऊंगी। तो देखिए मेरे बैटर तवे पे फैला लिया है, उसे एक सेकंड का वेट कर। तो देखिए मैं इस पर मसाला लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए मेरा डोसा मसाला मैंने फैला लिया इस पर बैटर, तो ये मेरा डोसा बनके रेडी हो रहा है। देखिए मेरा डोसा बनके रेडी है। तो लो जी हमारा मसाला डोसा बनके रेडी हो गया है। हरी चटनी, नारियल चटनी, टमाटो सॉस, ये हमारा डोसा।